अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर वन। लेट्स कंटिन्यू आवर वर्क ऑफ साइंस। काइंडली स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। ओके, वी विल कंटिन्यू आवर यूनिट नंबर थ्री विच इज़ अबाउट द लाइफ फंक्शंस। इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस वट इज लाइफ and what are the different functions which are performed by the living organisms। यहाँ पे आज हम जो हैं वो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने अपना बुक पेज नंबर 23 ओपन कर लेना है और इसके अलावा आपने अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 37 ओपन कर लेना है, ठीक है। वर्कबुक पेज नंबर 37 पे आज हम सॉल्व करेंगे ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मेंशन डेट and day properly, then solve the true or false। ठीक है जी। First one is the hummingbird hovers while it feeds। अब आपने examine करना है कि hummingbirds जो होते हैं, क्या वो जब food ले रहे होते हैं या feed कर रहे होते हैं तो वो hover करते हैं। Hover का मतलब होता है मंडलाना, ठीक है। जहां से ये अपनी जो है food ले रहे हैं वहां पे ये मंडलाना शुरू कर देते हैं birds, hummingbirds। ये बहुत प्यारा सा बर्ड होता है, ठीक है, छोटा सा होता है ये, मैं आपको भी दिखाती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने बुक पेज नंबर 23 पे यहाँ पे रीडिंग में देखा था कि हमिंग बर्ड्स होवर्स वाइल इट फीड्स। जब ये यहाँ पे आके अपनी फूड लेना शुरू करता है तो ये इसके इर्द गिर्द मंडलाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे हम क्या मैंशन कर देंगे वर्क बुक पे? ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड वन इज द फिश डिड नॉट च्यू फूड। अब आपने बताना है कि फिश फूड को च्यू करती है या नहीं। तो इसके लिए आप अपना बुक पेज नंबर 25 ओपन करें, हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने रीडिंग में देखा था कि फिश स्वॉल्व देयर फूड होल आर इन लम्स, दे डू नॉट च्यू। जिस तरह हम खाना खाते हैं तो उसको चबाते हैं ना, च्यू करते हैं, लेकिन फिशेज में ऐसा प्रोसेस नहीं है। वो पूरी की पूरी फूड को जो है वो उसको इनगल्फ कर लेती है, वो लम्स की फॉर्म में, लम्स कहते हैं डेले की फॉर्म में, या वो पूरी फूड जो है ना होल फॉर्म में कंप्लीटली उस फूड को स्वेलो कर लेती है, ठीक है, निगल लेती है, वो उसको च्यू नहीं करती। तो यहां पे भी हम ट्रू टी का साइन मेंशन कर देंगे। द थर्ड वन इज द एनिमल्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन वाइल ब्रीदिंग। एनिमल्स जब ब्रीथ कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, तो क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन करते हैं, अपनी बॉडी में लेके जाते हैं एंड गिव आउट और बाहर ऑक्सीजन निकालते हैं? नो, दिस इज रॉन्ग। जैसे कि आपको पता है कि एनिमल जब ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन बॉडी में लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालते हैं। So this is false। यहां पे आपने F का साइन लगा देना। Fourth one is the lateral line can be found in some plants। अब हमने बताना है ये true है या false है। तो आपको पता है कि जब हमने इस चैप्टर की रीडिंग की थी तो हमने यहाँ पे जो है वो पढ़ा था कि फिशेस में, बुक पेज नंबर 29 पे हमने देखा था कि फिशेस के पास एक सिक्स सेंस होती है। मतलब कि वो क्या है, इट इज अ लाइन अलोंग द साइड्स ऑफ द बॉडी। इनकी बॉडी की साइड्स पे एक लाइन होती है, ठीक है। लेटरल का मतलब ही क्या होता है, जो बॉडी की साइड पे प्रेजेंट है, जिसको हम लेटरल लाइन कहते हैं, जिसकी मदद से फिश जो है वो वाइब्रेशन फील करती है वाटर में और फिश को पता चल जाता है कि इसके सराउंडिंग में फूड प्रेजेंट है या कोई डेंजर या कोई खतरा वगैरह तो नहीं है उसको। तो लेटरल लाइन उसको हेल्प करती है फूड को फाइंड करने के लिए और डेंजर से अवॉइड करने के लिए। तो यहां पे हम साइन लगा देंगे फॉल्स, क्योंकि लेटरल लाइन फिशेस में जो है वो प्रेजेंट होती है। फिफ्थ वन इज द प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स आर स्पोर्ट्स। प्लांट्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड्स को प्रोड्यूस करके और स्पोर्ट्स को प्रोड्यूस करके। तो ये भी हमने रीडिंग में पढ़ा था, तो यहां पे आपने ट्रू जो है वो लिख देना, राइट कर लेना। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन On your workbook page number 37 is the write about it। Choose any one animal or plant, describe how it senses the world around and draw a picture too। Question पूछा गया है आपसे
कि आपने कोई सा भी एक एनिमल या प्लांट चूज कर लेना है, ठीक है। फिर आपने डिस्क्राइब करना है कि वो वर्ल्ड को अपने अराउंड जो सराउंडिंग में वर्ल्ड होती है उसको किस तरह से सेंस करता है, और उसकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आपको टू बॉक्सेस दिए गए हैं। यहाँ पे जो अपर लाइन है यहाँ पे हम एनिमल का जो है वो नेम राइट करेंगे, यहाँ पे हम उसका जो है वो डिस्क्राइब करेंगे कि वो वर्ल्ड को किस तरह से सेंस करता है, और यहाँ पे आप उसकी पिक्चर ड्रॉ कर देंगे इस ब्लॉक में। मैंने जो चूज़ किया है वो एक एनिमल है। हमारे पास चॉइस थी कि हम प्लांट चूज़ करें या एनिमल चूज़ करें, तो मैंने चूज़ किया है एनिमल जो कि स्नेक है। आप यहाँ पे राइट कर लें स्नेक, SNAKE। नेक्स्ट जो मैंने डिस्क्राइब किया है बच्चे वो ये है, स्नेक हैव लॉन्ग LONG, स्नेक हैव लॉन्ग टंग विच पिक अप द केमिकल पार्टिकल्स एंड इट हेल्प्स टू ट्रायल द प्रे। स्नेक्स के पास बच्चे अल्लाह ताला ने इसको लॉन्ग टंग दी हुई है, ठीक है। ये लॉन्ग टंग को अपने माउथ से बाहर निकालता है, ठीक है। जैसे ही ये बाहर निकालता है, एयर और ग्राउंड में मौजूद केमिकल पार्टिकल्स इसकी टंग के साथ स्टिक हो जाते हैं, यानी कि इसकी टंग के साथ अटैच हो जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये क्या करता है, ये टंग को वापस अपने माउथ में ले जाएगा और इसके हेड में या ब्रेन में अल्लाह ताला ने एक ऐसा ऑर्गन रखा हुआ है कि वो टंग के साथ जुड़े हुए केमिकल पार्टिकल्स की सेंट को सेंस कर लेता है, उनकी स्मेल को सेंस करता है, और स्नेक को बताता है किस बारे में, टू ट्रायल द प्रे, जो उसका शिकार है जिसको वो एज अ फूड यूज करेगा उसको वो ट्रायल कर सकता है, उसको वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो यहां पे आप इसको राइट करें, स्नेक हैव लॉन्ग टंग विच पिक अप द केमिकल पार्टिकल्स इट हेल्प्स टू ट्रायल द प्रे, और इस तरह से आपने पिक्चर ड्रॉ कर लेनी है स्नेक की, या जैसे भी आप इजीली ड्रॉ करना चाहते हो। आपने नीटली डायग्राम बनानी है इसकी और उसमें कलरिंग कर दीजिएगा। आप इसमें लाइनिंग से भी इसको शो कर सकते हैं, ठीक है।